सोमवार को 5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 7 आरोपी सहित 4,65,000 रुपए एक कट्टा पुलिस को बरामद करने में मिली सफलता। पति ही निकला मास्टरमाइंड। पति पत्नी के विवाद में 5 लाख रुपए पति को देने थे, वही पैसे की लूट करा दी थी पति ने। पति से समझौते में मिले 5 लाख रुपए लेकर लौट रही महिला के साथ लूट के 7 आरोपी सहित 4,65,000 रुपए पुलिस ने बरामद करने में पाई सफलता। पति ही निकला मास्टरमाइंड। हम आपको बता दें, सोमवार को बिछिया के थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरहुला में 2 पल्सर गाड़ियों में 4 लोगों ने महिला के साथ लूटपाट की थी। बड़े ही शातिराना अंदाज में भाई के साथ आ रही महिला को पहले मोटरसाइकिल से ठोकर मारने के बाद आरोपियों ने महिला का बैग छीनने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद वह इसमें सफल हो गए थे, लेकिन मौके पर अपराधियों की एक बाइक छूट गई थी। पुलिस को पूरा शक महिला के पति पर था। महिला ने अपने पति पर शक जाहिर किया था। महिला के पति को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, साइबर की मदद ली गई, कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती चली गईं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीम बनाई। एक टीम को प्रयागराज रवाना किया गया, एक को सतना की ओर, एक को रीवा शहर में, एक को बनकुइया की ओर भेजा गया। साइबर से लगातार आरोपियों को ट्रेस कर रही थी, जिसके चलते पुलिस ने प्रयागराज से 3 आरोपियों को पकड़ा। विजय पटेल की तलाशी लेने पर उसके पास से एक कट्टा भी बरामद हुआ था। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सोमवार को हुई लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने सोमवार को ही 3 आरोपी पकड़ लिए थे, बाकी 3 आरोपी इलाहाबाद से पकड़े गए। पुलिस ने पकड़े 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड में ली थी। उनसे पूछताछ करने के बाद बाकी 3 आरोपी जो पकड़े गए थे, कल उनको पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड लेकर आगे पूछताछ करेगी। 4,65,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं लुटेरों के पास से। बाकी पैसे की इन्होंने शराब पी ली, पेट्रोल भरा लिया और कपड़े खरीद लिए। आइए आपको सुनाते हैं लूट का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर क्या कुछ कह रहे हैं। पटेल का अपने पति विजय पटेल से विवाद चल रहा था, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने दोनों पक्ष का समझौता करा के 5 लाख रुपए दिलवाया था। पति के द्वारा जो 5 लाख रुपए मिला था, उसे लेकर वो अपनी भाई की मोटरसाइकिल में चिरहुला जा रही थी। जैसे ही चिरहुला मोड़ पे पहुंची है कि 2 मोटरसाइकिल वाले आए, एक ने उनको ठोकर मारी, जो बिगर नंबर की मोटरसाइकिल पल्सर 220 थी, और ये गिर गए। गिरने के बाद जो है वो जो आरोपी है वहाँ जा कर के इनसे बैग की छीना छपटी किया, धक्के दिए, उसको मारा और बैग छीन करके भाग गए। इसकी सूचना पुलिस को मिली। बिछिया पुलिस ने तत्काल जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और मौके पर पहुंचा। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है एक सीएसपी शिवाली के नेतृत्व में टीम गठित की और आरोपियों की तलाश जारी हुई। तलाश के दौरान एक टीम प्रयागराज पहुंची, एक टीम सतना पहुंची और एक शहर में थी, और एक टीम पुलिस की जो है बनकुइया की तरफ गई थी। साइबर की मदद से और सूत्रों की मदद से इनका पीछा किया गया। सूत्र संकलन करके प्रयागराज में इनको एक होटल में 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान जो है उनके कब्जे से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी मिला है, और बाकी आरोपियों की अलग अलग स्थानों से टीमों ने पकड़ा है, और उन सभी के कब्जे से 4,65,000 रुपए जब्त हुए हैं। शेष राशि का उन लोगों ने शराब पी, कपड़े खरीदे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाया, जो चीज उनने खरीदी थी जिसको जब्त किया जा सकता था वो सामग्री जब्त की गई है उनकी, और नगद पैसे जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जब्त किया गया है। दोनों मोटरसाइकिल जो 220 पर्सल थी उसे भी पुलिस ने जब्त किया है। पहला रिमांड हमने 3 आरोपियों का कल ही ले लिया था न्यायालय से, और पुलिस रिमांड में
जो है कार्रवाई के लिए हमारे पास है। शेष आरोपी जो प्रयागराज से पकड़े गए थे, आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कल उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करके उनसे भी रिमांड लिया जाएगा।